जम्मू कश्मीर में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। आतंकियों को सेना का मुंहतोड़ जवाब। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के सोपोर के वाटर गांव में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई गोलीबारी में एक आतंकवादी को मार गिराया गया है। सोपोर में शुक्रवार देर शाम आतंकियों ने सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में सेना के जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जिले के सोपोर इलाके में राफियाबाद के वाटर गांव में सेना की 32 राष्ट्रीय राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकियों ने देर शाम हमला किया। आतंकियों ने अचानक अंधाधुंध गोलियां बरसाई। इस पर जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। आतंकियों ने आर्मी कैंप पर हमला बोला था। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकियों ने कैंप पर ग्रेनेड फेंकने की इस घटना को अंजाम दिया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गश्त कर रही सेना की एक टुकड़ी उस इलाके से गुजर रही थी जब छिपे हुए आतंकवादियों ने उन पर गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकवादी मारा गया। सूत्रों के अनुसार मारे गए आतंकवादियों के पास से एक पिस्तौल और 3 हथगोले बरामद किए गए हैं। हालांकि मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं की जा सकी है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये पाकिस्तानी आतंकी था। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक अन्य आतंकी के घेरे होने का अंदेशा है। इससे पहले 17 अप्रैल की रात को आतंकियों ने पुलवामा जिले के त्राल में सीआरपीएफ कैंप पर भी हमला किया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। इस हमले में एक जवान घायल हो गया था। वहीं त्राल में बुधवार की दोपहर 3 संदिग्धों को घूमते हुए देखा गया था। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान लिया था। बता दी कि इस हफ्ते आतंकियों ने शोपिया में सुरक्षा बलों पर भी हमला किया था, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए थे। पुलवामा आतंकी हमले के बाद सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए आतंकी घाटी में आतंक फैलाने की कोशिश में हैं, लेकिन सेना के जवान उनकी इस नापाक हरकतों को नाकाम कर रहे हैं। घाटी में आतंकियों की नापाक साजिशों को देखते हुए घाटी में सुरक्षा बलों और सेना के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है, जिससे आतंकवादियों के खतरनाक मंसूबों को नाकाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।